हरे कृष्णा। एक सवाल बहुत समय से बार बार आ रहा है हमारे पास। हमने वेबिनार करा था तब भी आया, उसके बाद भी लगातार एजेंट्स और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम ECR पासपोर्ट के ऊपर क्रोएशिया ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे जो हम दो आपको TRP देंगे जो स्टडी पर्पस पे भेजेंगे। तो ये एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था। अच्छा, ECR क्या होता है? जस्ट अ क्विक इंट्रो, आप अपने पासपोर्ट के लास्ट पेज पर चेक करें कि आपके पासपोर्ट का जो लास्ट पेज जहां पर फादर्स नेम एड्रेस लिखा होता है उस पेज के टॉप पर लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर ये लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट ECR है, अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कि आपका पासपोर्ट ECNR है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड तो आराम से ट्रैवल हो ही सकते हैं दुनिया में हर तरफ, हर कैटेगरी के लिए। ECR के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो अब ये ECR पर क्रोशिया होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल था। इसके लिए आज मैंने पर्सनली डायरेक्ट क्रोशिया अम्बेसी कॉल करा, अम्बेसी से मैंने पूछा कि क्या ECR पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनको आप लोग वीजास देंगे। तो वहां से अम्बेसी ने क्लियर बोला कि ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, हमारा काम वीजा इशू करना या वीजा इशू नहीं करना डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल है। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ही पूछें। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नंबर निकाला। अब नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो बहुत सारे काम करती है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, उसमें एक सेक्शन है लेबर डिपार्टमेंट। तो उनसे हमने बात करी, जब उनसे बात करी तो उन्होंने हमें एक लिंक भेज दिया, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें एक PDF फाइल है। ये एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस PDF फाइल। ये PDF फाइल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो वेबसाइट है उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का जो सेक्शन है वहां से ये एक डॉक्यूमेंट हमको मिला। इस डॉक्यूमेंट की एक आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में बहुत सारी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है जिसमें क्रोएशिया भी है। तो वो ये पैराग्राफ लास्ट लाइन ये कहती है कि हेयर बाय एग्जम्प्ट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया गोइंग टू दी सेड कंट्रीज। मतलब कि इंडियन सिटीजन्स जो ECR पासपोर्ट होल्ड करते हैं इन कंट्री में अगर वो ट्रैवल करते हैं तो दे आर एग्जम्प्ट हैं। मतलब कि आप ECR पासपोर्ट के ऊपर भी इन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, एंड देयर आर दी लिस्ट ऑफ दी कंट्रीज। ये काफी सारी कंट्रीज की लिस्ट है। इसके अंदर अगर मैं फोर्थ लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है क्रोएशिया, मतलब कि आप क्रोएशिया के अंदर अगर ECR पासपोर्ट है तब भी आपका TRP भी आएगी, आपका वीजा भी आएगा और आप ट्रैवल भी करेंगे। इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर एवरीवन। हमने आज इसके ऊपर काफी एफर्ट्स मारा, काफी इस पर रिसर्च करी, काफी इंटरेक्शन रहा लोगों के साथ, क्योंकि ये इजी नहीं था इस डॉक्यूमेंट को, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को निकालना, पर हमने आपके लिए निकाला। हमारी एक एडवाइस, ये एडवाइस ध्यान से समझें कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो आपने जब भी ट्रैवल करना हो वीजा के बाद एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें कि क्या मैं ट्रैवल कर लूंगा। इन केस अगर ट्रैवल में कोई रिस्ट्रिक्शन भी है, वीजा आ गया पर ECR पासपोर्ट के ट्रैवल में अगर रिस्ट्रिक्शन भी है तो इंडिया की काफी सारी सिटीज के अंदर इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली के अंदर भी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट का ऑफिस है। आप वहां पर जाएंगे, 200-300 रुपये आपके मुश्किल से खर्च होते हैं और वो विद इन अ डे और टू के अंदर आपको अप्रूवल दे देते हैं दैट यू कैन ट्रैवल। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आ भी जाती है इन फ्यूचर, कोई चेंज ऑफ पॉलिसी होता है, तो भी
आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ एक दो दिन का आपका एक और प्रोसेस होगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। सो इट्स अ गुड न्यूज कि ऑल ईसीआर पासपोर्ट्स कैन ट्रैवल। बट मेरी एक और फाइनल एडवाइस है इसके अंदर कि कोशिश करें कि जब आप 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स डिग्री ले चुके हैं, एक अपनी हायर एजुकेशन ले चुके हो आप, तो आप अपने पासपोर्ट को चेंज करवा लें, उसको ईसीआर से ईसीएनआर करवा लें। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए एक इजी और बढ़िया प्रोसेस रहेगा, हर कंट्री में ट्रैवल के लिए, कि कल को आपको किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री से ट्रैवल करना है, तो अगर ईसीएनआर होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारी एडवाइस है। बट एट द फाइनल, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ईसीआर पासपोर्ट होल्डर, क्रोएशिया की टीआरपी भी आएगी, वीजा भी आएगा, ट्रैवल भी होगा, तो आप कर सकते हैं। क्रोएशिया स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डिटेल्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिसेज के नंबर्स लिखे गए हैं, आप हमारे ऑफिसेज कॉल करें, बात करें, अपना प्रोसेस इमीडिएटली शुरू करें। अगर आप एजेंट हैं तो हमारे साथ डायरेक्ट टाई अप कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट अपना स्टूडेंट वीजा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। मैं अमन शुक्ला, आई एम दी सीईओ ऑफ दी कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।